हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतीश कुमार और स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के स्मॉलेस्ट FDR रेफ्रिजरेटर की, जिसका मॉडल है RF57A5032B1, जो कि एक ब्लैक फिनिश के साथ आता है, जिसके अंदर नीचे आपको बॉटम में आपको फ्रीजर मिलता है, जो कि एक कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है ट्विन कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो करिए, चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट लुक। अब अंदर के इंटीरियर की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, एक एक करके सब कुछ आपको क्लियर करते हैं। सामने की तरफ से देखें तो ये बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी मैट फिनिश के साथ आता है। इसके ऊपर आपके हाथों के निशान वगैरह भी बिल्कुल दिखेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है आपका ये फ्रिज। तीन डोर के साथ आता है, बट इसको बोलते हैं FDR ही है, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर ही बोलते हैं। इसके अंदर जो नीचे वाला बॉक्स है वो आपका एक फ्रीज़र होता है, जो ये वाला पोर्शन है सारा का सारा। चैनल सिस्टम के साथ आता है और काफ़ी सॉलिड सिस्टम ये दिया हुआ है इस कंपनी ने इसके अंदर। इसी के अंदर आपको ये अलग से ऊपर एक ड्रॉर मिलता है, और अगर आप इसको अंदर स्लाइड करते हो तो नीचे भी आपको एक अलग से ड्रॉर मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर एयर वेंट भी दिए हुए हैं कंपनी ने, ताकि आपको पूरे के पूरे फ्रीज़र बॉक्स में बराबर कूलिंग मिले। और ये इसका जो बॉक्स है ये आइस क्यूब्स के लिए अलग से दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो, ये ऊपर वाला आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, ये ऊपर का इसका पोर्शन आ जाएगा। जो ये फ्रिज है ये आता है ट्विन कूलिंग प्लस की टेक्नोलॉजी के साथ। ट्विन कूलिंग प्लस के अंदर मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऊपर की कूलिंग अलग है और नीचे की कूलिंग अलग है। डबल इवेपोरेटर दिया हुआ, ऊपर का अलग नीचे का अलग, इसीलिए आप जो है नीचे वाला जो इसका फ्रीज़र वाला पार्ट है आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको टेम्परेचर अप या डाउन करना है। जो आपका फ्रीज़र वाला पोर्शन है उसके यहाँ पे डिजिटल पैनल आता है, यहाँ पे आप उसका नीचे वाले फ्रीज़र का अगर प्लस में रखते हो तो फ्रिज बन जाएगा, माइनस में रखते हो तो फ्रीज़र का काम करेगा। ऊपर वाला पोर्शन है जो है वहाँ पे आपकी फ्रिज की लाइट आएगी। तो ये था कंप्लीट इसका डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अंदर डबल आपको वेजिटेबल बॉक्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक इधर। यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तीन तीन शेल्फें मिल जाती हैं आपको, सारे की सारी टफन ग्लास में आती हैं। और साइडों की बात करें तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेदर फिनिश के साथ आता है। बैक साइड आपने देखी है, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे इसके बोतल गार्ड्स लगेंगे, जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं इस टाइम, उनको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, यहाँ पे वो फिट हो जाएंगे। ज़बरदस्त है, अच्छा है, डबल फैन के साथ आता है। और इसकी अगर डायमेंशंस वगैरह की बात करें तो ये देखिए पूरा क्लीन है इसका। 32 इंचज़ इसकी विड्थ है, डेप्थ की बात करें तो 30 इंचज़ के करीब है, और हाइट की बात करें तो वो 70 इंचज़ के करीब है। वेट इसका जो है वेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे अराउंड वेट इसका 70 kg के आसपास होगा। 150 वाट पे ये चल जाता है। कैपेसिटी की बात करें तो 580 लीटर का है ये फ्रिज। अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ ये कंपनी ने फ्रिज दिया। तो कैसा लगा आपको ये रेफ्रिजरेटर FDR सैमसंग का, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी और वीडियोस के साथ, किसी और नए प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए, थैंक यू।